मैंने इमेज ऑप्टिमाइजेशन पर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन ये वीडियो ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? क्या इमेज ऑप्टिमाइजेशन जैसे ही होता है? जी नहीं, ये अलग होता है थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली इमेज ऑप्टिमाइजेशन में इमेजेस होते हैं, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन में वीडियोस को ऑप्टिमाइज करते हैं, लेकिन कैसे, तरीका थोड़ा अलग होगा, समझ लेते हैं छोटे से वीडियो में बहुत जल्दी से। देखिए, ऑप्टिमाइजेशन के कई मीनिंग हो सकते हैं। तो वीडियो ऑप्टिमाइजेशन में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसमें वीडियो का साइज कम करके क्वालिटी सेम रखना हो सकता है, वीडियो अच्छे से ताकि प्ले हो, तो जो भी है मैं आपको बता देता हूँ उसके सारे एस्पेक्ट्स। लेकिन डिपेंड करता है कौन से एस्पेक्ट पर आप काम करना चाहते हैं, उस तरह से वीडियो को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वीडियो ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें वीडियोस को एनहांस किया जाता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो सके। ओके, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें वीडियोस को एनहांस किया जाता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो सके। ये प्रोसेस मल्टीपल टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज को इंक्लूड करता है जो वीडियो के लोड टाइम, क्वालिटी, डिस्कवरेबिलिटी और ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाता है। वीडियो ऑप्टिमाइजेशन का मेन गोल ये होता है कि वीडियोस एफिशिएंटली और इफेक्टिवली एंड यूजर्स तक पहुंचे, स्पेशली डिफरेंट डिवाइसेस और इंटरनेट स्पीड्स के साथ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वीडियोस होंगे तो ऑब्वियसली लोड टाइम बढ़ेगा। यहाँ कुछ की एस्पेक्ट्स हैं वीडियो ऑप्टिमाइजेशन के जो मैं आपको बता रहा हूँ, हर एस्पेक्ट के डेफिनेशन, टेक्निक्स और बेनिफिट्स भी बता देता हूँ। तो पहला है कंप्रेशन, जिसका डेफिनेशन है वीडियो फाइल्स को कंप्रेस करना ताकि उनकी साइज कम हो जाए बिना क्वालिटी को सिग्निफिकेंटली कॉम्प्रोमाइज किए। ओके, बिना क्वालिटी को सिग्निफिकेंटली कॉम्प्रोमाइज किए। टेक्निक्स क्या होते हैं इसमें? कोडेक्स जैसे H.264, H.265, HEVC और VP9 का यूज करके वीडियो को कॉम्प्रेस किया जाता है। बेनिफिट्स क्या है इसके? रेड्यूस्ड फाइल साइज से लोड टाइम्स इंप्रूव होते हैं और बैंडविड्थ कंजम्पशन कम होता है। दूसरा है रेजोल्यूशन एंड बिटरेट एडजस्टमेंट। इसका मतलब है वीडियोस को डिफरेंट रेजोल्यूशंस और बिटरेट्स में एनकोड करना ताकि डिफरेंट डिवाइसेस और नेटवर्क कंडीशंस के अकॉर्डिंग बेस्ट वर्जन सर्व किया जा सके। टेक्निक्स क्या होते हैं उसमें? एडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग जैसे HLS, HTTP लाइव स्ट्रीमिंग और डैश, डायनेमिक एडेप्टिव स्ट्रीमिंग ओवर HTTP का यूज करके। बेनिफिट्स क्या है? इंप्रूव्ड व्यूइंग एक्सपीरियंस अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेस और नेटवर्क कंडीशंस। तीसरा है मेटाडेटा ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि वीडियो फाइल्स के मेटाडेटा को ऑप्टिमाइज करना ताकि सर्च इंजिन्स और वीडियो प्लेटफॉर्म्स को वीडियो कंटेंट के बारे में रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल सके। टेक्निक्स क्या इसमें? एक्यूरेट टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस, टैग्स, थंबनेल्स का यूज करके। बेनिफिट्स क्या है इसके? इंप्रूव्ड सर्च इंजिन रैंकिंग्स एंड वीडियो डिस्कवरेबिलिटी। चौथा है SEO फॉर वीडियो कॉन्टेंट। डेफिनेशन है इसका, वीडियो कंटेंट को सर्च इंजिन्स के लिए ऑप्टिमाइज करना ताकि वो इजीली डिस्कवर हो सके। टेक्निक्स क्या है? कीवर्ड्स का यूज टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस, टैग्स में, साइट मैप्स क्रिएट करना और स्ट्रक्चर्ड डेटा मार्कअप ऐड करना। बेनिफिट्स हैं इसके, हायर विजिबिलिटी इन सर्च रिजल्ट्स और इंक्रीज्ड ट्रैफिक। पांचवा, लोडिंग स्पीड, वीडियोस को इस तरीके से सर्व करना ताकि वो जल्दी लोड हो और बफरिंग मिनिमल हो। तो इसमें क्या टेक्निक्स हैं? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स का यूज, लेजी लोडिंग और प्री लोडिंग स्ट्रेटजीज। बेनिफिट्स हैं इसके, एनहांस्ड यूजर एक्सपीरियंस और रिड्यूस्ड बाउंस रेट्स। छठवा, कंपैटिबिलिटी, यानी एंश्योर करना कि वीडियोज डिफरेंट डिवाइसेस और ब्राउजर्स पर सही तरीके से प्ले हो। टेक्निक्स हैं इसमें, मल्टीपल फॉर्मेट्स जैसे MP4, WebM और OGG में वीडियोस प्रोवाइड करना। बेनिफिट्स हैं इसके, कंसिस्टेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। आखिरी है ट्रांसकोडिंग, मतलब कि ओरिजिनल फाइल्स को डिफरेंट फॉर्मेट्स और रेजोल्यूशंस में कन्वर्ट करना। टेक्निक्स हैं कुछ यूजिंग टूल्स लाइक FFmpeg और क्लाउड बेस्ड ट्रांसकोडिंग सर्विसेस। बेनिफिट्स हैं इसके, एंश्योरिंग कंपैटिबिलिटी और ऑप्टिमल परफॉर्मेंस अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेस। वीडियो ऑप्टिमाइजेशन से वीडियोस का परफॉर्मेंस और रीच सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकता है, जो बेटर यूजर मैनेजमेंट और सेटिस्फैक्शन लीड करता है।
उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। कोई भी क्वेरी है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, पूरी मदद करेंगे आपकी। और अगर आप चाहते हैं इस तरह के वीडियोस हम लाते रहे हैं तो सपोर्ट करें लाइक एंड शेयर करके। जिस किसी ने भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी। वरना हो सकता है कि काफी सारे वीडियोस आप मिस कर जाएं। वैसे वीडियोस और प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं वो वीडियोस। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।